बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट खुश होंगे, खैरी से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और खैरी से रखे। तो अभी रिसेंटली बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर सामने आई है एग्ज़ाम प्रमोशन पॉलिसीज के हवाले से। एग्ज़ाम की पॉलिसीज प्रमोशन की थोड़ी सी चेंजिंग जो इसके अंदर आई है एग्ज़ाम प्रमोशन के हवाले से। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की लेटेस्ट अपडेट में बहुत ही बड़ी अपडेट जो सामने आई है नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। और आप ये भी जानते हैं कि हर आने वाली एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले YouTube चैनल ब्रेन एकेडमी के ऊपर आपको मिल रही है। और इंशाल्लाह मेरी पहले से कोशिश रही है तमाम तो स्टूडेंट्स की हेल्प करने की, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और मुझसे जितना हुआ मैं आप तमाम तो स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूँगा। तो खैर, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम तर व्यूवर्स, तमाम तर स्टूडेंट वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। एग्जाम प्रमोशन पॉलिसीज के हवाले से जो न्यू अपडेट आई है, सबसे पहले मैं आपको ये पर डे स्टूडेंट्स क्लियर आवाज़ें बता दूँ। पहले आप जानते हैं कि 2020 के जो बोर्ड के बच्चे हैं इनको प्रमोट कर दिया गया था, और साथ ही साथ इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक एफए यानी कि आईकॉम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आईकॉम वाले सिंपल एफए वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स थे, उसके बाद बीए और बीकॉम के जो स्टूडेंट्स थे, इन बच्चों को यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया था इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने, और साथ ही साथ बोर्ड के बच्चे जो हैं इन्हें भी प्रमोट कर दिया गया था। तो अभी ऑटम 2020 के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंटिन्यू हैं, तो साथ ही साथ बोर्ड के बच्चों के अभी एग्ज़ाम होने थे, तो सडनली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वैकेशन कर दी गई और उसके बाद एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब प्रमोशन के हवाले से एक पॉलिसी यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि एग्ज़ाम लेना भी पॉसिबल नहीं है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। और कुछ दोस्तों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ले लिए जाए, ऐसा कर लिए जाए या ऐसा कर लिए जाए। काफ़ी ज़्यादा अपने अपने पॉइंट यहाँ पर सामने जो आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये प्रमोशन पॉलिसीज के हवाले से बता दिया गया है 9th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए और उसके बाद इंटरमीडिएट के जो तलबा हैं इनको प्रमोट कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना। और उसके बाद 10th क्लास के जो बच्चे हैं और सेकेंडरी के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएँ, लेकिन वो भी तब लिए जाएँ जब हालात पहले से बेहतर होते हैं, तो तब। लेकिन अब मज़ीद इनको एक्सटेंड करके जून में बताया गया था कि जून में लिए जाएंगे, लेकिन अब जून में भी मे भी एग्ज़ाम ना लिए जाए, मज़ीद वैकेशन होने के चांसेस हैं और मज़ीद एग्ज़ाम एक्सटेंड होने के चांसेस हैं। तो मैं अब आपको बता दूं, अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी को जो तलबा हैं इनके दो ऑप्शन हैं, या तो इन बच्चों के एग्ज़ाम प्रमोट इन बच्चों को कर दिया जाएगा, या इन बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो एंड टर्म असेसमेंट लिए जाएंगे। तो डे स्टूडेंट्स, आज की लेटेस्ट अपडेट में ये दो बहुत ही बड़ी अपडेट थी जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दे दी हैं। हाँ, इसके ऊपर अमल कब तक हो जाएगा, तो इसके लिए आपने ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जल्द ही इसके ऊपर एक फाइनल अपडेट भी आपको मिल जाएगी। अभी एक जो स्कीम बनाई गई है, जो एक बात सामने आई है, वो मैंने आपको एक वीडियो के ज़रिए मैसेज दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप पूरी बात समझ चुके हैं। तो ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का नारा ज़रूर लगाइएगा, और कमेंट बॉक्स में भी ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक।